हम लोग यहाँ झज्जर विधानसभा के जितने भी हमारे साथी हैं उन सबसे चर्चा करने के लिए, उनकी राय जानने के लिए आए हैं। हम हरियाणा के हर विधानसभा क्षेत्र में इसी तरह से कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमको संगठन निर्माण करना है हरियाणा में, और आम आदमी पार्टी अपने संगठन का निर्माण कार्यकर्ताओं से पूछकर उनकी राय शुमारी से करती है। उसी प्रक्रिया में आज यहाँ पर विधानसभा के सब साथियों से चर्चा करेंगे और एक मजबूत संगठन बनाएंगे जो 2024 में हरियाणा के अंदर सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन भी कर सके। देखिए, अभी तक करीब 40 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पर हम अलग अलग क्षेत्र में सीनियर लीडरशिप जो है वो कार्यकर्ताओं की राय ले चुके हैं, और लगातार ये सिलसिला जारी है। अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर अनुमान है कि हम पूरे हरियाणा का संगठन आम आदमी पार्टी का एक साथ अनाउंस करेंगे, और उस बीच में जिला परिषद के चुनाव भी हैं, उसकी तैयारी भी आम आदमी पार्टी कर रही है, उसके बारे में भी कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक पूरे संगठन का एक साथ हरियाणा में अनाउंसमेंट 1 से 1.5 महीने के अंदर होगा। जिला परिषद चुनाव आम आदमी पार्टी सिंबल पर लड़ेगी, दूसरी तरफ आप देखें तो कांग्रेस सिंबल पर लड़ने से पीछे हट चुकी है, पहले ही अपना फैसला बता चुकी है, क्योंकि कांग्रेस को डर लगता है कि वो तीसरे नंबर की पार्टी ना बन जाए। भारतीय जनता पार्टी के बीच में भी संशय है कि गांव में लोग उनके सिंबल को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वो डर रहे हैं कि ये जिला परिषद चुनाव हम सिंबल पर लड़ें या नहीं लड़ें। आम आदमी पार्टी का बहुत स्पष्ट मत है कि नगर निकाय चुनाव में जिस तरीके से दूसरे नंबर की पार्टी आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर बनी, गांव के अंदर और ज़्यादा रुझान लोगों में आम आदमी पार्टी के प्रति है, और जिला परिषद चुनाव में हम बीजेपी हो या कांग्रेस अगर हमारे सामने सिंबल पर लड़ने के लिए आते हैं तो हम उनको पटखनी देंगे। आजकल आम आदमी पार्टी की खासी चर्चा है मनीष सिसोदिया जी का, जो प्रकरण चल रहा है परिणीति को लेकर। एक तरफ का न्यूयॉर्क टाइम्स में उनकी बड़ाई छापी जाती है कि बेहतर शिक्षा व्यवस्था उन्होंने कर दी, दूसरी तरफ नई दिल्ली में है लगातार ईडी सीबीआई के छापे हैं वो मारे जाते हैं। क्या इस प्रकरण से आम आदमी पार्टी दबाव में दिखती है? क्या केजरीवाल मॉडल जिसका आप जिक्र करते थे, दिल्ली मॉडल का जिक्र करते थे, क्या उस इमेज पर धब्बा लगा है? इन चीज़ों से क्या मानते, कैसे पार पाएंगे ये जो पूरा मतलब पूरी नेशनल मीडिया में पूरे देश में ये बात है वो छाई हुई है? देखिए, आम आदमी पार्टी को इन फर्जी ईडी और सीबीआई की रेड से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हमारे नेता इनसे डरते। एक रुपए का कहीं पर कोई कमी नहीं निकाल सकता हमारे नेताओं की, बहुत ईमानदारी के साथ सब लोग देश सेवा में, राष्ट्र निर्माण में सारे नेता लगे हुए हैं। मनीष सिसोदिया जी के यहाँ 14 घंटे सीबीआई की रेड हुई, आप सब तो मीडिया के साथी हैं, मीडिया में पहली खबर क्या चलती है जब कहीं पर रेड होती है? कितने बंडल पकड़े गए, कितने हीरे जवाहरात पकड़े गए, कितनी दौलत पकड़ी गई। 14 घंटे तक सीबीआई के अधिकारी, मोदी जी के भेजे हुए अधिकारी, बिस्तर उलट के देखते रहे, दीवारें तोड़ के देखते रहे, मिट्टी खोद के देखते रहे, एक रुपए का नोट नहीं निकाल पाए जिसको अनअकाउंटेड वो कह सकें कि जिसका हमारे पास हिसाब किताब नहीं हो। आज तक भी 7 दिन होने को आए हैं उस घटना को, आज तक भी सीबीआई ये नहीं बता पाई कि 28 जगहों पर उन्होंने रेड की थी, वहाँ से वो क्या बरामद कर पाए। वरना सीबीआई पहली मिनट में ये खबर प्लांट करती है कि इनके घर से देखिए ये बरामद हुआ, आपको वीडियो दे दिए जाएंगे, फोटो दे दी जाएगी। कुछ भी मनीष सिसोदिया जी के यहाँ से नहीं मिला। अब असली कारण समझिए कि क्यों बीजेपी बौखलाई हुई है, क्यों ईडी और सीबीआई की रेड करवा रही है। गुजरात के अंदर मोदी जी के घर के अंदर उनको मात देने की तैयारी आम आदमी पार्टी कर रही है, वहाँ पर हम इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, लोगों का हमको समर्थन मिल रहा है, इसलिए घबराहट के मारे मोदी जी ने हमारी सरकार को डिस्टेबलाइज करने की, तोड़ने की कोशिश की दिल्ली के अंदर, ताकि वो अरविंद केजरीवाल जी को उनके घर में परेशान कर सके। लेकिन वो नहीं समझ पाए कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस नहीं है जिसको वो डरा सकते हैं, दबा सकते हैं या खरीद सकते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता बिकते नहीं हैं, कांग्रेस की तरह आम आदमी पार्टी के नेताओं की सेल नहीं लगी है। हम ना तो दिल्ली में उनको सरकार तोड़ने देंगे, ना उनकी सीबीआई और ईडी से डरते, और गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मात देंगे, उनके गढ़ में उनको हराएंगे और पूरे देश में बीजेपी की सरकार बदलेंगे। मैंने इसलिए कहा दबाव वाली बात, मैंने इसलिए की क्योंकि आज तक की जो आपकी पार्टी की राजनीति रही है वो आम आदमी की, गरीब आदमी की, मध्यम वर्गीय परिवार की, कर्मचारियों की रही है, लेकिन पहली बार आम आदमी पार्टी की तरफ से ये ट्वीट पे भी लिखा जाता है कि मैं राजपूत हूँ, मैं राणा का वंशज हूँ, मैं झुकूंगा नहीं। तो क्या नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी दूसरी पॉलिसी पे चल पड़ी है, एक जाति आधारित राजनीति है वो करने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं आप भी अपनी आम आदमी की लीक से हटकर
उसी राजनीति में, दलित राजनीति में आप भी धस चुके हैं। आम आदमी पार्टी कभी भी जाति धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करती, कभी भी ऊंच नीच के आधार पर राजनीति नहीं करती, कभी धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश नहीं करती। आम आदमी पार्टी हमेशा मूलभूत सुविधाओं की बात करती है। सत्येंद्र जैन जी ने जो अस्पताल दिल्ली के अंदर बनाए, उनमें इलाज करने से पहले ये नहीं पूछा जाता कि वो किस जाति का व्यक्ति है। मनीष सिसोदिया जी ने जो स्कूल बनाए, उसमें ये नहीं पूछा जाता किस जाति का बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है। जो जल बोर्ड ने पाइपलाइन बिछाई सौरभ भारद्वाज, उस काम में लगे हुए हैं दिल्ली के अंदर, उसमें ये नहीं पूछा जाता कि ये पानी किस जाति के व्यक्ति के घर जा रहा है। लेकिन जब आप ये कहेंगे, मनीष सिसोदिया के ऊपर हमला करेंगे और जब आप उनको खरीदने की कोशिश करेंगे, तो अपने पूर्वजों का नाम मान सम्मान के साथ कोई भी ले सकता है, हर किसी को उसका हक है। मनीष सिसोदिया जी ने सिर्फ ये बताने की कोशिश की कि महाराणा प्रताप के वंशज हैं वो, किसी भी तरीके से उनको ना खरीदा जा सकता, ना तोड़ा जा सकता, ना झुकाया जा सकता। अपने पूर्वजों का नाम सम्मान के साथ लेना जातिवाद नहीं है। जातिवाद वो होता है जब एक जाति को आप दूसरी जाति के प्रति नफरत फैलाते हैं, एक जाति को दूसरी जाति से श्रेष्ठ बताते हैं, एक जाति को दूसरी जाति से लड़वाते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी करती है, आम आदमी पार्टी जातिगत राजनीति नहीं करती। सरकार स्कूल बंद करने की तैयारी कर रही है। एक स्कूल बंद नहीं करती कर सकती भारतीय जनता पार्टी। हमने खुली चुनौती दी और आपने देखा होगा कि आजकल मुख्यमंत्री साहब हड़बड़ाए घूम रहे हैं, उनके मुंह से कुछ का कुछ निकल रहा है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि टीचर्स ज़्यादा हो गए लेकिन अध्यापक कम हो गए हैं, उनको खुद समझ नहीं आ रहा है कि क्या जवाब दें। पूरे हरियाणा में वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। हमने उनको खुली चुनौती दी और अभी भी दे रहा हूं उनको, एक भी स्कूल इन 105 में से बंद करके दिखाएं, इनमें से एक भी स्कूल की किसी दीवार की एक ईंट हटा करके दिखाएं। आम आदमी पार्टी ऐसा होने नहीं देगी। 2 साल तक इन स्कूलों की रक्षा भी करेंगे और 2 साल बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है हरियाणा के अंदर, इन सारे स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर भी बना के दिखाएंगे। मौत हुई है, उसको कैसे देखती है आम आदमी पार्टी? देखिए, जहाँ तक उपचुनाव की बात है तो आम आदमी पार्टी हरियाणा में होने वाले किसी भी चुनाव, उपचुनाव सबके लिए पूरी तरह से तैयार है, हमारा संगठन तैयार है। लेकिन अभी इस विषय में, आदमपुर के विषय में हम बात नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। सोनाली फोगाट जी, बेशक वो भारतीय जनता पार्टी की नेता थी, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर अगर देखें तो वो एक बहुत अच्छी संघर्षशील महिला थी, और उनके साथ इस तरीके की साजिश किया जाना, जिस पर हमने सबसे पहले ये सवाल भी उठाया कि अगर इस तरह की कोई साजिश हुई है और अगर उनकी हत्या की गई है, जैसा कि अब साफ बाद में नज़र आ रहा है, तो क्यों उसकी जांच खुल करके सीबीआई से नहीं होनी चाहिए? जब आप हर जगह पर सीबीआई और ईडी को भेज देते हैं, तो इतनी महत्वपूर्ण जगह पर, जहां पर हाल फिलहाल में आदमपुर में बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है, राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, नेताओं ने पार्टियां बदली हैं, जहां पर राजनीतिक षड्यंत्र की बात कही जा रही है। सोनाली फोगाट जी हमेशा कहती थी कि उनका बहुत प्रभाव और उनकी टिकट कोई काट नहीं सकता वहाँ से, ऐसी स्थिति में क्या साजिश नहीं हो सकती है? किसको फ़ायदा होने वाला था सोनाली फोगाट जी की मौत से? इन सब तथ्यों की जांच के लिए हमने पहले भी कहा, एक न्यायिक कमेटी बनानी चाहिए, किसी रिटायर्ड चीफ जस्टिस या सिटिंग चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जानी चाहिए, जो ये जांच कर सके और खुलासा कर सके कि ये प्यादे जो अभी गिरफ्तार किए जा रहे हैं, ये सिर्फ प्यादे हैं, इनके पीछे साजिशकर्ता कौन है, इनके पीछे असली व्यक्ति कौन है जिसने ये हत्या करवाई। तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट भी लगातार हो रही है, तो आम आदमी पार्टी इसको लेकर पत्ते नहीं खोल रही है। क्या ऐसी कोई चीज अगर होती है तो क्या आम आदमी पार्टी उसकी तरफ जाएगी मोदी के अभियान को रोकने के लिए? देखिए, तीसरे मोर्चे जैसी कोई चीज़ हिंदुस्तान में नहीं है। हिंदुस्तान में इस वक्त 2 विचारधाराओं का सीधा टकराव चल रहा है। एक विचारधारा वो है जो जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांटती है, नफरत फैलाती है, और ऊंच नीच और अंग्रेज़ों वाली जो पद्धति थी कि फूट डालो राज करो, उस सिद्धांत पर राज कर रही है भारतीय जनता पार्टी विचारधारा है, और एक विचारधारा आम आदमी पार्टी की है जो प्यार और इंसानियत के नाम पर, जो लोगों को मूलभूत सुविधाएँ देकर पूरे देश के लोगों को, इस देश को विकसित बनाना चाहती है। इन सीधी टक्कर इन 2 विचारधाराओं के बीच में 2024 में होने जा रही है। 2024 मोदी बनाम केजरीवाल और 2024 आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी होगा। सर, मोदी बनाम केजरीवाल तो तब होता है जब लोकसभा की सीटें हैं वो हासिल की जाए, लेकिन लोकसभा की जो अब तक की परफॉर्मेंस रही है उससे शायद आम आदमी पार्टी भी कतई खुश नहीं होगी, क्योंकि संगरूर जहाँ पे पंजाब में आप प्रचंड बहुमत के साथ आते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या हो जाता है आम आदमी पार्टी को? आप कहते हैं मोदी के साथ हमारी टक्कर है, लेकिन बिना लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करे मोदी को आखिरकार कैसे आप रोकेंगे?
अभी तक आम आदमी पार्टी प्रदेश एक के बाद एक प्रदेश में हम अपनी तैयारी कर रहे थे और एक एक प्रदेश में हमने बेहतर परफॉर्म भी किया। दिल्ली में 3 बार हम सरकार बना चुके हैं, पंजाब में हमने अपनी सरकार बनाई है। हम नेशनल पर्सपेक्टिव में अभी तक हमने बात नहीं की थी। अब कुछ दिन पहले ही अगर आपने देखा हो, अरविंद केजरीवाल जी ने मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन शुरू किया है। हमने अपने मॉडल को पूरी तरह से दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर हम उसको टेस्ट कर रहे हैं, हमने टेस्ट कर लिया है और अब हम उसको पूरे देश में रेप्लिकेट कर सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ये सारी मूलभूत सुविधाएं फ्री में पाने का हक है उनका, उस हक से हम उनको रूबरू कराना चाहते हैं और पूरे हिंदुस्तान में इस विचारधारा का आज के दिन में चर्चा है। आप देखिए, कहीं असम में हमारा वोट नंबर 2 पर निकल आता है, गोवा में हमारे 2 विधायक जीत गए हैं, हरियाणा के अंदर इतनी सुगबुगाहट है, लोग इतना चाहते हैं आम आदमी पार्टी को। गुजरात के अंदर आप देखिए, जहाँ पर मोदी जी अपना घर बताते हैं, गढ़ बताते हैं, वहाँ पर हमको बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। तो अब ये एक विचारधारा का रूप ले चुकी है ये पूरा का पूरा जो दिल्ली मॉडल हमारा है, और वो विचारधारा पूरे देश में फैल रही है बहुत तेज़ी के साथ। आपने हाल फिलहाल में एक टीवी सर्वे भी देखा होगा जिसमें 46% लोग ये मानने लगे हैं देश के अंदर कि 2024 में अरविंद केजरीवाल जी नरेंद्र मोदी जी को टक्कर दे सकते हैं, का मुकाबला कर सकते हैं। तो विपक्ष के नेता के तौर पर सिर्फ एक चेहरा, एक छवि आपके सामने आती है, इसलिए हम कह रहे हैं कि 2024 में लोकसभा के अंदर भी पूरे देश के निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए और एक विकसित भारत बनाने के लिए आम आदमी पार्टी सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को देगी। रेवड़ियों का, फ्री रेवड़ियों का जिक्र कर रहे हैं जो आम आदमी पार्टी, फ्री बिजली या फ्री पानी की बात करती है, तो कैसे देखते हैं इन सभी चीज़ों को? देखिए, किसी के भी पेट में कितना भी दर्द हो, चाहे मोदी जी के पेट में दर्द हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के किसी और नेता के पेट में दर्द हो, आम आदमी पार्टी मूलभूत सुविधाएं सभी लोगों को फ्री देती रही है और डंके की चोट पर देते रहेंगे, किसी के कहने से हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक उदाहरण आपके सामने ज़रूर रखना चाहता हूँ, हम दिल्ली के अंदर क्या फ्री देते हैं। हम दिल्ली के अंदर शिक्षा फ्री है, दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य फ्री है, दिल्ली के अंदर पानी फ्री है, दिल्ली के अंदर बिजली फ्री है। कोई शहीद हो जाए 1 करोड़ रुपये देते हैं उनके परिवार को सांत्वना के रूप में, महिलाएं फ्री में ट्रेवल कर सकती हैं, ये सारी चीज़ें दिल्ली के अंदर फ्री हैं। हरियाणा में इनमें से कुछ भी फ्री नहीं है हरियाणा के अंदर, लेकिन उसके बावजूद 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है हरियाणा के ऊपर। इसी तरह से अगर आप पंजाब में देखें, कांग्रेस की सरकार थी अभी तक, कुछ भी फ्री नहीं था इनमें से, लेकिन 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है पंजाब के ऊपर। अभी हमने 3 महीने के अंदर फ्री देना भी शुरू कर दिया पंजाब में और 13,000 करोड़ रुपया कर्जा चुका भी दिया। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 6-7 लाख करोड़ का कर्जा है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, 5.5 लाख करोड़ का कर्जा है। कुछ फ्री नहीं देते हम, दिल्ली में सब कुछ फ्री देते हैं, उसके बावजूद 1 पैसे का कर्जा नहीं है दिल्ली के ऊपर, 1 पैसे का। तो यानी ये मूलभूत सुविधाएँ फ्री देने से हमारा देश बर्बाद नहीं होता, जो मोदी जी कहते हैं वो झूठ बोलते हैं, उनकी झूठ बोलने की आदत है। देश बर्बाद तब होता है जब वो 10 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ़ कर देते हैं अपने दोस्तों का। देश बर्बाद तब होता है जब उनके दोस्त 1,000 करोड़ रुपए लेके विदेश भाग जाते हैं और वो भागने देते हैं। देश तब बर्बाद होता है, लोगों को मूलभूत सुविधाएं फ्री देने से देश बर्बाद नहीं होता। थैंक यू जी।